हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके आऊँ डीएस सर और अमन धत्तरवाल सर की अर्निंग की वीडियो, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आज वो वीडियो आ गई है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको डीएल सर चैनल की अर्निंग बताऊंगा, उसके बाद अमन धतरवाल सर के जितने भी चैनल हैं उन सब की अर्निंग आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरी अर्निंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है studentsempire7। वहां पे मैं आपको अपनी अर्निंग बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डीएल सर चैनल की अर्निंग। डीएसआर चैनल पे हैं इस वक्त 7.82 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो उनकी पर डे की इनकम है $200 यानी 14,000 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा इनकम है पर डे की 14,000 रुपीज़। तो अब पर मंथ की इनकम आपको बताता हूँ, तो पर मंथ की इनकम है $6,000 यानी 4,40,000 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी इनकम हो रही है डीएसआर चैनल की। तो अब देख लेते हैं ईयरली इनकम कितनी है, साल भर में डीएसआर कितना अर्न करते हैं या फिर 2021 में कितना अर्न कर सकते हैं। तो डीएसआर की ईयरली इनकम है $70,000 यानी 51 लाख रुपीज। तो 2021 में ये 51 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि एक साल में 51 लाख से भी ज़्यादा अर्निंग डीएसआर चैनल की हो जाएगी। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम भी लगता है, तो अगर इतनी अर्निंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं YouTube से तो आप भी एजुकेशनल वीडियोस बनाइए। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो ज़रूर वीडियोस बनाइए। तो अब आपको DSR चैनल की अर्निंग पता चल गई है, तो अब हम लोग अमन धतरवाल सर के जितने भी चैनल हैं उनकी अर्निंग देखेंगे। मैं लोएस्ट से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हाइएस्ट पर जाऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डाउटनट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। अमन धतरवाल सर का सबसे कम सब्सक्राइबर वाला चैनल है अमन भैया व्लॉग्स, उससे 1600 के सब्सक्राइबर्स हैं। उस चैनल पर डे की इनकम है $5 यानी 362 रुपीज़, और पर मंथ की इनकम है $120 यानी 8,700 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है अमन भैया व्लॉग्स चैनल से। तो अब देखते हैं अपना कॉलेज चैनल से कितनी अर्निंग हो जाती है। मुझे लगता है कि अपना कॉलेज चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चैनल की आपको अर्निंग बताऊंगा। उस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं 400K, तो पर डे की इनकम है $30 यानी 2,000 रुपीज़, और पर मंथ की इनकम है $800 यानी 58,000 रुपीज़। तो बहुत ही ज़्यादा इनकम है अपना कॉलेज चैनल से अगर वो मोनेटाइज होता। तो अब देख लेते हैं अपनी कक्षा चैनल से कितनी अर्निंग हो जाती है अमन धतरवाल सर की। तो अपनी कक्षा चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं 865K, और पर डे की इनकम हो जाती है $60 यानी 4,500 रुपीज़, और पर मंथ की इनकम हो जाती है $2,000 यानी 1,50,000 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है अपनी कक्षा चैनल से भी। तो अब देख लेते हैं उनके सबसे मेन चैनल यानी सबसे बड़ा चैनल जो है उनका अमन धतरवाल, तो उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं 2.94 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 3 मिलियन होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो मैं उनको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। तो उनके पर डे की इनकम है $70 यानी 5,000 रुपीज़, और पर मंथ की इनकम है $2,200 यानी 1,70,000 रुपीज़ अमन धतरवाल चैनल से। तो अब देख लेते हैं उनकी ईयरली इनकम अमन धतरवाल चैनल से, तो उनकी ईयरली इनकम है $25,000 यानी 18 लाख रुपीज़। इस साल 2021 में ये 18 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे एजुकेटर्स इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाने में तो आप भी आइए YouTube पे पढ़ाइए, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अर्निंग के लिए वीडियोस बनाइए, जब आप वीडियोस बनाएंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, तो वीडियोस बनाइए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। सो गाइज, अब आपको डियर सर चैनल और अमन धतरवाल सर के जितनी भी चैनल हैं उनकी अर्निंग पता चल गई है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस एजुकेटर की अर्निंग पर चाहिए वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।